आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड भारत पर क्या कह दिया, पाकिस्तान से जुड़ा है कैसा कनेक्शन, और जो सही है वो टिकता है, जो गलत है वो आता है और जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तैयार रहिए। कैसे होगा क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है जो अभी धीरे धीरे जा रहा है। ये कहना है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने बड़ा दावा कर दिया कि पाकिस्तान के लोग भी बंटवारे से खुश नहीं हैं। उनका भी मानना है कि बंटवारा एक बड़ी गलती थी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान बना, आज पाकिस्तान के लोग भी मान रहे हैं कि बंटवारा एक सबसे बड़ी गलती थी। मोहन भागवत ने जोर देकर कहा कि अखंड भारत सत्य और खंडित भारत दुःस्वप्न की तरह है। एक व्यक्ति को लाया गया सीमांकन करने के लिए, वो जानता नहीं था और उसके पास केवल 3 महीने थे, तो पूरा करके काम जाते समय उसने कहा कि देखो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं कैसा करना, मेरे पास समय भी नहीं था, जो मैंने किया है वो क्या किया है मैं भी नहीं जानता। ऐसा ये विभाजन है और कृत्रिम है। उस समय योगी अरविंद ने कहा था कि इसको जाना पड़ेगा। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई, ये गलती हो गई, सब कह रहे हैं, सब मानते हैं। आप देखिए जो अपनी हठधर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, अपनी संस्कृति से अलग हुए, पूर्वजों का नाता तोड़ के उनको भुला दिया गया, ऐसे जीवन में जिन्होंने प्रवेश किया और जो भारत से अलग हो गए, क्या वो अलग हो गए उससे अभी इस क्षण तक सुख में है, वो दुख में है। उस अपने भूमि को छोड़कर भारत के साथ रहने के लिए यहां जो आए, उन्होंने अपने जीवन को अपने पुरुषार्थ से फिर से खड़ा कर लिया, वो आज दुखी नहीं है, वहां दुख है। क्यों है? क्योंकि एक कृत्रिम जीवन में जी रहे। सत्य जीवन का अंगीकार करना, अगर वो गलत है तो गलती का सुधार तो यही हो सकता है, तो उसकी बात करने में क्या लज्जा है। वो सही है और जो सही है वो टिकता है, जो गलत है वो आता है और जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तैयार रहिए। कैसे होगा क्या होगा मैं नहीं जानता। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है। हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है, हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है, वो तो हम करते हैं करेंगे, लेकिन हम आक्रमणकारी नहीं है। लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है जो अभी धीरे धीरे जा रहा है। वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है, होगा।